नमस्कार प्यारे किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपावली का आपको बोनस दिया जा रहा है सभी किसानों को 4,000 रुपए का। जी हाँ, देखिए मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था कि सभी किसान साथियों को 4,000 रुपए मिलेगा 1900वीं किस्त के तहत। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया कि सर नहीं, आप फर्जी बता रहे हो, 1900वीं किस्त के तहत पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो 18वीं किस्त का पैसा मिला है। तो प्यारे किसान साथियों, आप लोग ये याद करिए आंकड़ा, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है तो मोदी जी बोनस देते हैं, और मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो भाई उनका भी हक बनता है। तो प्यारे किसान साथियों, लाइव देखो, मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि एक बार फिर से किसानों के खाते में, यहाँ देखिए अभी अभी ट्वीट कर जानकारी दी कि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जो है 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को देकर लाभान्वित करेंगे। मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कैसे मिलेगा पूरा। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उससे भी आप लोग देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ किन किसानों का नाम है, किन किसानों का नाम नहीं है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश आर्टिकल में भी छपा है कि भाई जो भाई आप लोग देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर टू 9.5 करोड़ फार्मर्स, यानी कि भाई 9.50, यानी कि पूरा टोटल की बात करें तो 9.5 करोड़, यानी कि 9,50,00,000 फार्मर्स यानी कि किसान को भाई 2,000 रुपये की नहीं, बल्कि आप लोगों को 4,000 रुपये की 1900वीं किस्त यानी कि नई किस्त दी जाएगी 4,000 रुपये की। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा भी दिखा देता हूँ जो पिछले अभी देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों को भाई कौन सी किस्त दी गई थी, 18वीं किस्त का पैसा दिया गया था, मैं वो वाला भी आंकड़ा दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सम्माननीय प्रधानमंत्री, पहले ये देखिए, देखिए देवियों और सज्जनों, मोदी जी ने यहाँ से पैसा जारी किया था 18वीं किस्त का, और बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। तो देख लो पैसा जा चुका है, जो पिछली किस्त यानी कि 18वीं किस्त अक्टूबर महीने में ही 5 अक्टूबर को आपको दिया गया था। लेकिन प्यारे किसान साथियों, अब समय आ गया है आप लोगों का 1900वीं किस्त का, तो 1900वीं किस्त का पैसा आपको बोनस के तौर पर दिया जाएगा, यानी कि 4,000 रुपये दिया जाएगा। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए 1900वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो देखिए मोदी जी ने ट्वीट कर जानकारी दे दी है 1900वीं किस्त की। देखिए समृद्ध अन्नदाता भारत सरकार का संकल्प है, और उन्होंने साफ साफ कहें कि देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम नया कदम उठा रहे हैं, नोटिस जारी कर दिए हैं कि 11 करोड़ से अधिक किसानों को इस बार लाभ दिया जाएगा 1900वीं किस्त का। अभी देखिए 18वीं किस्त का हाल ही में अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर को पैसा आपको मिला था 2,000 रुपये महाराष्ट्र के वासीम से, लेकिन अब जाकर आप लोगों को 1900वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा। तो प्यारे किसान साथियों, 1900वीं किस्त का पैसा किन किन किसानों को मिलेगा पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि देखिए मोदी जी यहाँ साफ साफ किसानों से वार्तालाप किए हैं और लाइव वर्चुअली संबोधित करके बात कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं 1900वीं किस्त का पैसा कि जल्द से जल्द हमें मिल जाए, तो क्या क्या काम करना है पूरी जानकारी देंगे, कैसे मिलेगा, लिस्ट में किन लोगों का नाम आ चुका है। जी हाँ भाई, लिस्ट में नाम आ चुका है, आप लोग भी अपना नाम देख पाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं लिस्ट में नाम भी दिखा दूंगा कि किन किसानों का नाम आ गया है लिस्ट में। तो चलिए पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, और आप लोग देखिए ध्यान से वीडियो को, तभी जाकर आप लोगों को यह लाभ मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो प्यारे किसान साथियों, सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। आप लोगों को चलिए सर्च करिए अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे, मैं जो बता रहा हूँ वो करिए, सर्च करिए pmkisan.gov.in। जी हाँ, इस प्रकार आप लोग pmkisan.gov.in सर्च करोगे तो भाई देखिए यहाँ मैं लिख कर भी दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, यहीं से सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम रियल और एकदम जेन्युइन कि भाई पैसा 1900वीं किस्त का जो नई किस्त है उसका पैसा आप लोगों को कैसे मिलेगा, किन किसानों को मिलेगा, पूरा का पूरा नाम भी दिखाऊंगा लिस्ट में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, देखिए अगर आप लोग नए किसान हैं
तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। कैसे करना है, चलिए इस पर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे भाई पूछेगा कि आप लोग किस में फॉर्म को भरना चाहोगे, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। चलिए मैं इंग्लिश में भर देता हूँ, आप लोग हिंदी कर लेना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए भाई आप लोगों को यहाँ देखिए, सबसे पहले चूज करना है कि आप लोग रूरल फार्मर से आते हैं या फिर अर्बन। अगर रूरल से हैं तो भाई रूरल सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर अर्बन से हैं तो अर्बन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आप लोगों को अपना आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है आप देखिए, उसके बाद यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी राज्य से हो आप लोग वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना है, गेट ओटीपी पर आपको भाई कर देना है। ठीक है, गेट जो ही गेट ओटीपी पर क्लिक कर दोगे आगे का प्रोसेस आ जाएगा, जो भी जानकारी मांगेगा आपको फिल कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सही सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वरना आपको दिक्कत होगी पीएम किसान योजना की नई किस्त यानी कि निशामी किस्त का पैसा पाने के लिए। तो इतना काम कर लेना है, उसके बाद आगे आना है भाई। तो आप लोगों को दिखाई देगा कि देखिए अभी हाल ही में आप लोगों को 18वीं किस्त का पैसा 5 अक्टूबर 2024 को अक्टूबर महीने में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये तो पता है कि 18वीं किस्त का पैसा आपको मिल गया। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करेंगे कि सर हमें नहीं मिला, तो भाई इंतजार कर लेना, धीरे धीरे पैसा आता रहता है, महीना दो महीने तक पैसा आता रहता है, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए आप लोगों को नीचे सेक्शन में आप लोगों को इस प्रकार दिखाई देगा पेमेंट सेक्शन का, यानी कि पेमेंट सक्सेस का। उसके बाद यहाँ दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर, इसके बाद यहाँ आपको तमाम ऑप्शन दिखाई देगा। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि सर ई केवाईसी करेंगे कैसे, तो देखिए ई केवाईसी का ऑप्शन आ गया, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी कर सकते हो। और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा नो योर स्टेटस का, अपडेट मोबाइल नंबर, यानी कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाओगे। सबसे जरूरी काम भाई कि आप लोगों को अपना बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाई देगा कि आप लोगों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। चलिए बेनिफिशियरी लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 19वीं किस्त का लाभ लेने के लिए प्यारे किसान साथियों आपको ई केवाईसी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हो तो सबसे जरूरी काम जो है आप लोगों को भाई ई केवाईसी करना है। ठीक है, ई केवाईसी करने के लिए इसी ई केवाईसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं भाई। जो ही आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जो ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपसे यहाँ दिया जाएगा ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी करना है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार भाई आपको करना है। ठीक है, यहाँ दिया रहेगा ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, यहाँ आधार नंबर आप लोगों को फिल करना है, और इस आधार नंबर फिल करने के बाद आपको भाई सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी फिल कर देना है, आपका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे अब जरूरी काम कि भाई मान लो ये सब कुछ हो गया हमारा, अब चेक कैसे करें कि 19वीं किस्त का पैसा हमें भाई जो है मिलेगा या नहीं, बेनिफिशियरी लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। तो बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखने के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, और बेनिफिशियरी लिस्ट में ये जो दिख रही है इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जो ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जो ही इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाए तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और जो ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट में आप लोगों को देखिए दिखाई देगा, यहाँ स्टेट दिखाई देगा यानी कि राज्य दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला दिखाई देगा, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उप जिला दिखाएगा, ब्लॉक यानी कि तहसील दिखाएगा, विलेज यानी कि गांव आपका दिखाएगा। ये सब कुछ आपको सही से फिल करना है। कैसे फिल करना, चलिए एक एक मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टेट पर सिलेक्ट करना है, यानी कि राज्य पर सिलेक्ट करना है, आप किस राज्य से आ रहे हैं उस राज्य को सिलेक्ट कर लेना है, और राज्य के किस जिले से आ रहे हैं तो उस जिले को सिलेक्ट कर लेना है, और आपका जिला उप जिला क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपका ब्लॉक यानी कि तहसील कौन सी लग रही है तो वो तहसील सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप किस गांव से बिलोंग करते हैं वो गांव सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई
आपको इस गेट रिपोर्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो ही आप लोग गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद तुरंत ओपन हो जाएगा। आपके जितने भी सारे किसान हैं आपके गांव में उनकी लिस्ट आ जाएगी, केवल आपकी नहीं, आप लोग घर बैठे अपने गाँव के सारे किसानों का नाम देख पाओगे, ठीक है। यह देखिए मैंने क्लिक करके भाई एक भाई का चेक किया तो उसके पूरे गांव में पूरा का पूरा भाई मैं आपको लिस्ट दिखा दूं कि यहां 6 लिस्ट है। कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह लिस्ट है इस गांव में, जो गांव का मैं निकाला हूं। तो भाई यहां किसानों की संख्या कितनी है, तो सबसे लास्ट वाली लिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहां टोटल जो किसानों की संख्या है प्यारे किसान साथियों वो 274 किसान है। केवल एक गाँव में 274 किसान है। अब देखिए इन 274 किसानों को 19वीं किस्त का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा मात्र कुछ ही दिनों में, ठीक है। यानी कि इसी 2-4-10 दिन में आप लोगों को 19वीं किस्त का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए नाम देखिए, आप लोग नाम देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, उमेश कुमार और उमेश शर्मा। इसी के साथ फीमेल में बात करें तो उर्मिला देवी हैं और उषा शर्मा है, वीना देवी हैं, आप लोग देख सकते हैं सभी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि भाई जो आप लोगों की 19वीं किस्त है मिल जाएगी। अगर आपका नाम शामिल है तो अगले 2-4-10 दिन में नई किस्त 19वीं किस्त का पैसा मोदी जी आपको दे देंगे। धन्यवाद।